हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे चावल की बहुत ही टेस्टी, इतनी सॉफ्ट मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मिठाई बनाने के लिए हमने पैन लिया है और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे घी। तो इसमें 2 से 3 चम्मच हम घी की लेंगे और आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी। गैस ऑन करेंगे और अब इसमें आप कोई भी बर्तन से माप के ले सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है पिसा हुआ बारीक, तो इसको हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होने लगा है ये, और आप देख भी सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आटे को हम साइड में कर दिए हैं, तो एक साइड में हम पानी गर्म कर लेते हैं। तो इसमें पानी की हमने 2.5 कटोरी पानी की लेनी है। और 1 कटोरी हम शक्कर की ले रहे हैं, जितने हमने चावल का आटा लिया है उसके हमने बराबर मात्रा में शक्कर लिए हैं, और पानी हमारे को डबल मात्रा में लेना है इसके। और ये लिए हमने नारियल का बूरा, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे चावल का आटा और आप इस तरीके से मिठाई बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप इसमें कोई सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डो की फॉर्म में आने लगा है, ये गाढ़ा होने लगा है। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया इलायची पाउडर, तो आप देख भी सकते हैं पैन भी छोड़ने लगा है, बैटर है जो हमारा। तो अब इसके हम गैस बंद कर देंगे, हमारे को 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना रहता है पानी में डालने के बाद में। तो ये हमने बर्फी जमाने के लिए हमने ट्रे में पन्नी लगा ली है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा हम घी से ग्रीस कर लेंगे। और ये हमने लिया है पिस्ता, तो पिस्ता से थोड़ी सी हम गार्निश कर देंगे। और ये लिए हमने नारियल का बोरा, तो थोड़ा थोड़ा हम ये भी गार्निश करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं। आपको अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। मिठाई का स्वाद इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें डबल स्वाद हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी आप इस तरीके से बनाओगे तो। तो बैटर भी हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हम सेट कर देते हैं। इसके हम थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से इसको सेट कर देंगे, बिल्कुल चिकना कर देंगे बैटर को। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम पिस्ता और ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऐड करेंगे नारियल का बूरा। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी मिठाई है, जो कितनी अच्छी से जमा दी है इसको। तो इसको हम रख देंगे 2-2.5 घंटे के लिए इसको ठंडे करने के लिए। आप इसको बाहर ही रख देना फ्रिज में, आप बिल्कुल भी ना रखें। तो देख सकते हैं 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, मिठाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। तो हम चाकू लिए हैं, तो इसको हम इसको निकाल लेंगे केक टिन से। तो
आप देख सकते हैं कितनी बिल्कुल परफेक्ट मिठाई हमारी जम के तैयार हो गई। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, आप जो पसंद है शेप में उसी शेप में कट कर सकते हैं। और मिठाई हमारी इतनी सॉफ्ट बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए सर्विंग प्लेट में सर्व भी कर दिए। तो हमारे सिंपल तरीके से आटे की मिठाई बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।